अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ महंगाई के टोटके शेयर करूँगी। टोटके क्या हैं, कि कुछ टिप्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो आप लोगों के काम आएंगे, आप लोगों के लिए मुफीद साबित होंगे। कपड़ों की बेहतरीन धुलाई और खुशबू। वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट के साथ 2-3 छिलके माल्टे के डाल दें तो इससे कपड़ों से जिद्दी दाग धब्बे तो साफ होंगे ही, कपड़ों का मैल कुचैल उतरेगा, साथ ही साथ कपड़ों में से खुशबू भी आने शुरू हो जाएगी। माल्टों में चूंकि सिट्रिक एसिड होता है और ये कपड़ों से जिद्दी दाग धब्बों को साफ करता है, साथ ही साथ कपड़ों में से खुशबू भी आती है। इसके लिए फिर आपको अलहदा से वो धोनी या खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। ऑयल के लिए, ऑयल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो इस सूरत हाल में ऑयल बचाने के लिए आप क्या करें कि नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉनस्टिक के बर्तनों में कम ऑयल में भी चीज़ आसानी से और अच्छे से बन जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा कुकवेयर ही आप नॉनस्टिक का रखें, जैसे आपने अंडा बनाना है या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें बनानी है तो आप उसमें एक चम्मच ऑयल में भी आप अंडा बना सकते हैं, यानी आपने कबाब वगैरह फ्राई करना है तो आप उसमें भी, बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है नॉनस्टिक कुकवेयर में कि आप फ्लेम बहुत हाई नहीं रखें, ठीक है। और आप दूसरे नंबर पर एक और काम कर सकते हैं कि आप सब्जियों को पकाने से पहले उबाल लें। इस तरीके से भी सब्जी में कम ऑयल इस्तेमाल होता है, आप कम ऑयल में सब्जी बना सकेंगे, ठीक है। जैसे आलू के चिप्स बनाने के लिए भी जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है फ्राई करने के लिए, आप क्या करें कि आप आलूओं को पहले बॉयल कर लें थोड़ा सा, ठीक है, 50% यानी उसमें 50-70% आलू जो है वो बॉयल करने में डन हो जाएँ, बाकी आप तवे पर या फिर फ्राई पैन में 2-3 चम्मच ऑयल डालें, उसमें हल्के हल्के से उसको क्रिस्पी कर लें तो आपकी बड़ी अच्छी सी चिप्स बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप ये मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रिलिंग कर सकते हैं, स्टीम के तरीके से भी आप ऑयल की बचत कर सकते हैं, यानी स्टीम के ज़रिए आप पहले चीज़ को बना लें और यानी बिल्कुल हल्की आंच पर आप बना लें स्टीम के ज़रिए और उसके बाद आप उसमें ऑयल ऐड करें। ग्रिलिंग में भी कम ऑयल इस्तेमाल होता है। जो भी बनाना हो इसको स्टीम में बनाएं, बाद में थोड़ा सा आप ऑयल डालकर भुनाई कर लें, ठीक है जी। और अक्सर रात के चावल बच जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन गर्म करो तो वो बात नहीं रहती जो ताज़ा चावलों में होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो ताज़ा चावल ही हों तो वो अच्छे लगते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये तरीका इस्तेमाल करें। जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे चावल अभी बने हों। बचे हुए चावलों में से आपने क्या करना है कि गर्म पानी गुजार कर चावलों को छान लेना है, फिर 1-2 मिनट आप दम लगा दें, आपके ताज़ा चावल तैयार हैं बिल्कुल। आप चाहे, ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप चाहे इसको तवे पर भी गर्म करें या ओवन में, किसी भी तरीके में आप गर्म कर लेना, बिल्कुल ताज़ा नहीं वो लगते, लेकिन अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे चावल आपके बिल्कुल ताज़ा लगेंगे। जब भी कोई कबाब वगैरह फ्राई करने लगे तो 1 चम्मच दूध आप डाल लें अंडे के अंदर, यानी जैसे जिन कबाब को आपको अंडे में कोट करना होता है, आप अंडे में 1 चम्मच दूध, चुटकी भर बेसन अंडे में डालकर आप अच्छी तरह से फेंट लें, फिर आप उस अंडे में चीज़ों को कोट करके बनाएं। इस तरह से अंडा भी कम इस्तेमाल होगा और तली हुई चीज़ में ऑयल भी कम जज़ब होगा, जैसे अब एक अंडे से आप जो है उससे डबल क्वांटिटी में चीज़ें बना लेंगे। बिजली की बचत, बिजली बचाने के लिए इस तरीका से आपको कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ेंगे, यानी बिजली बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे घर के कपड़े हैं उनको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन बाहर जाने वाले कपड़ों को भी अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं आपका खर्च होगा। क्या करना है, आपने जब भी कपड़े धोने हैं तो कपड़ों को अच्छी तरह से झाड़ कर तार पर डालना है, इस तरीके से कपड़ों पर सलवटें नहीं पड़ती हैं। और स्पिनर में आपने ज़्यादा देर कपड़े नहीं छोड़ने हैं, अगर आप स्पिनर का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो कपड़ों को धोने के बाद ज़्यादा देर निचोड़ कर ना रखें, मतलब ये नहीं कि निचोड़ कर रख दें कि बाद में डाल देंगे तार पर, नहीं, फ़ौरन से आप इनको झाड़ कर तार पर डालें, इस तरीके से सलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और बिजली की भी बचत होती है आपकी, टाइम और मेहनत की भी। बाज़ औक़ात इस्तेमाल शुदा घी को जब दोबारा इस्तेमाल करना हो तो इस पर झाग आ जाती है, तो हम उस घी को ज़ाया तो कर नहीं सकते हैं, इतना महंगा ऑयल है। आप क्या करें कि आप अगर आप घी में, वैसे तो ज़्यादा दफ़ा ऑयल इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप 2-3 दफ़ा तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आप क्या करें कि आप घी फ्राई करते, घी में जब आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है ना तो अपनी चुटकी पर हल्दी डाल देनी है, झाग नहीं आएगी। जैसे मछली करते हैं सम टाइम या चिकन करते हैं ऊपर झाग आने शुरू हो जाती है, तो फिर अगर आप हल्दी डाल देते हैं ना झाग नहीं आएगी, आपका ऑयल बच जाएगा। दही घर में बनाने के लिए और जल्दी जमाने के लिए दूध में हरी मिर्चें डालकर अच्छे तरीके से बंद कर दें ऊपर से इसको, और फिर गर्म जगह पर रखें। इस तरीका से बाज़ार जैसा दही आप घर पर भी बना सकेंगे और सस्ता भी बन जाएगा ज़्यादा। टमाटरों के लिए,
टमाटरों के लिए क्या है कि जिन दिनों आप सस्ते टमाटर मिलते हो ना, उन दिनों आप टमाटर लेकर फ्रीज कर लें, ठीक है। इस तरीके फ्रीज टमाटरों का आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप दो काम कर सकते हैं, या इनको फ्रीज कर लें ऐसे ही साबुत, या फिर आप इनका पेस्ट बनाकर जो है वो आइस क्यूब ट्रे में डालकर इनको फ्रीज कर लें। जितने आपको चाहिए उतने आइस क्यूब आपने इस्तेमाल कर लिए, यानी ये क्यूब टमाटरों वाले क्यूब इस्तेमाल कर लें आप, टाइम की भी बचत और आसानी से आपके टमाटर भी ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपने फ्रीज़र में नहीं रखने, फ्रिज में रखने हैं, तो आप टमाटरों के सिरों पर या तो मोम लगाकर या टेप लगाकर रख दें, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और आपके ये क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फंगस लगने शुरू हो जाती है तो वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर जूता तंग हो तो, जूता तंग हो छोटा हो जाए तो आप क्या करें कि एक फलालीन का कपड़ा लेकर इसे गर्म पानी में भिगोकर आप निचोड़ लें। इसके बाद इसे आप कपड़े, इस कपड़े को फौरन से जूते के अंदर गर्म गर्म को ही ठूंस दें। कपड़े की गर्मी की वजह से ना जूता फैल जाएगा और इसकी तंगी दूर हो जाएगी। आपने क्या करना है, फौरन से आपने उसके अंदर गर्म गर्म कपड़ा डालना है, उसके बाद छोड़ देना है। जैसे ही आपने कपड़ा निकालना है ना, उसके फौरन बाद आपने पहन कर अपना साइज एडजस्ट कर लेना है। उसी टाइम पहन लेंगे ना, उसी हिसाब से वो गर्म गर्म होगा, आपका साइज के बराबर वो एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर ड्रायर से भी जूते की तंगी को दूर किया जा सकता है, चुभेगा नहीं आपको। हेयर ड्रायर की गर्मी की वजह से जूता नरम हो जाएगा, फिर उसी वक्त आप इसको पहन कर अपने पाँव के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिए। और बाज़ूकात आपके कपड़ों की या आपके बैग की जिप जो है वो फंस जाती है, पैंट की जिप जो है वो फंसना शुरू हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसको इन चीज़ों को ज़ाया होने से बचाने के लिए आप क्या करें कि जिप पर आप मोम जो है वो मल दें, तो जिप आसानी से जो है खुलेगी, बंद होगी और आपको ये मसला भी नहीं होगा। और आज की रेमेडीज़ आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।